भारतीय समाज में शादी किसी त्योहार से कम नहीं मानी जाती। शादी में सबसे पहले कार्ड को खोलकर देखना और पढ़ना भारतीय समाज में एक रिवाज की तरह अपनाया जाता है। शादी के कार्ड में आमंत्रण संदेश का भी बहुत महत्व होता है। शादी के कार्ड में छपे संदेश को पढ़कर कई लोग मुस्कुराने भी लगते हैं। एक तरह से कार्ड में संदेश छपवाना भी बेहद खास माना जाता है। नमस्कार, शादी से जुड़ी ये खास कवरेज आप सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस फेस्टिवल सीजन में सुनिए एक से बढ़कर एक किस्से और दिलचस्प टॉपिक पर हमारी खास कवरेज। आजकल भारत में इंटरनेट के माध्यम से भी निमंत्रण कार्ड देने का ट्रेंड है। इसी को लेकर आज हम आपको कई आइडियाज कार्ड बनाने के लिए देने वाले हैं, जिसकी मदद से आप कार्ड को बना सकते हैं और अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं को समझें। आप किस प्रकार के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण कार्ड बना रहे हैं? क्या यह एक शादी, जन्मदिन या किसी अन्य प्रकार की घटना है? कार्यक्रम की थीम क्या है? एक बार जब आपको अपनी आवश्यकताओं का स्पष्ट विचार हो जाए तो आप एक डिजाइन विकसित करना शुरू कर सकते हैं जो उन आवश्यकताओं को पूरा करे। ऑनलाइन निमंत्रण कार्ड डिजाइनरों से प्रेरणा लें। इंटरनेट पर कई निमंत्रण कोड डिजाइनर है जो आपको अपने कार्यक्रम के लिए सही डिजाइन खोजने में मदद कर सकता है। इन डिजाइनों को देखकर आप कुछ विचार प्राप्त कर सकते हैं कि आप अपने निमंत्रण कार्ड के साथ क्या करना चाहते हैं। एक ऑनलाइन निमंत्रण कार्ड निर्माता का उपयोग करें। ऑनलाइन निमंत्रण कार्ड निर्माता आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक निमंत्रण कार्ड डिजाइन करने में मदद कर सकता है। इन निर्माता के पास विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट, फॉन्ट और चित्र उपलब्ध होते हैं, जिनका उपयोग आप अपने निमंत्रण कार्ड को अनुकूलित करने के लिए कर सकते हैं। अपने निमंत्रण कार्ड को व्यक्तिगत रूप से बनाएं। यदि आप चाहें तो आप अपने निमंत्रण कार्ड को व्यक्तिगत रूप से भी बनवा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप एक निमंत्रण कार्ड निर्माता का उपयोग कर सकते हैं या आप अपनी खुद की डिजाइन बना सकते हैं और इसे एक प्रिंटर पर प्रिंट कर सकते हैं। भारत में निमंत्रण कार्ड के लिए कुछ लोकप्रिय थीम भी शामिल किए जाते हैं, इसके बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं। भारतीय संस्कृति। इस थीम में भारतीय कला, संगीत और वास्तुकला से प्रेरित डिजाइन शामिल होते हैं। प्रकृति। इस थीम में फूल, पेड़ और अन्य प्राकृतिक रूपांकन से प्रेरित डिजाइन शामिल होते हैं। आधुनिक। इस थीम में सरल आधुनिक डिजाइन शामिल होते हैं। अपने निमंत्रण कार्ड का आइडिया चुनते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह आपके कार्यक्रम की थीम और आपके मेहमानों को व्यक्तित्व को दर्शाता है। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको भारत में इंटरनेट के माध्यम से निमंत्रण कार्ड का आइडिया बनाने में मदद कर सकते हैं। अपने निमंत्रण कार्ड में सभी आवश्यकता जानकारी भी शामिल करें। इसमें कार्यक्रम की तारीख, समय, स्थान, RSVP जानकारी शामिल होनी चाहिए। अपने निमंत्रण कार्ड को स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। आप नहीं चाहते कि आपके मेहमान आपके निमंत्रण को पढ़ने में मुश्किल करें। अपने निमंत्रण कार्ड को आकर्षक बनाएं। आप चाहते हैं कि आपके मेहमान आपके निमंत्रण को प्राप्त करने के लिए उत्साहित हों। इन सुझावों का पालन करके आप भारत में इंटरनेट के माध्यम से एक आकर्षक और प्रभावी निमंत्रण कार्ड बना सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ और वेडिंग से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी लेकर। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और शादी पर हमारी खास पेशकश को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहें हमारे साथ।